तो आप एकदम सही जगह पे। सो हेलो गाइस, नहीं मैं क्या तो हेलो गाइस, आज हम लोग की वर्ल्ड ही सर्वाइवल सीरीज इंडी सुपर एचडी ग्राफिक्स में, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरफेस पे आ चुके, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सो कोऑर्डिनेट्स, सारे एक्सपेरिमेंट्स डाल देता हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स तो जरूरी, और हम यहाँ से डालेंगे यामारिंस लगे से, उसका नाम रखूँगा मैं अपने चैनल का नाम, यानी हाँ नहीं मैं चैनल का नाम इसका नाम रखूँगा नाइकलैंड, अच्छा नाम है। और ये क्या था, हाँ टेक्सचर पैक डाला हुआ है, 0.12 MB का मैंने RTX लगाया है। अब स्टार्टिंग मैप और बोनस, स्टार्टिंग मैप किसी काम का नहीं, बोनस चेस्ट में लगाता ही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को। ऐसा मत समझना कि मैं नूब हूँ, नूब नहीं हूँ मैं हूँ प्रो, तुम समझते नहीं हो। अब मैं आपसे मिलूँगा, थोड़ा सा वेट करते कि बर्ड, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। A few inches later. So, रुको जरा, सबर करो। 2000 years later. बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। लोड हो चुका है और हम लोग अंदर घुसने वाले हैं अपने वर्ल्ड में, और हम लोग अपने वर्ल्ड में स्पॉन हो चुके हैं। और अब मैं किसके क्या जंगल, नहीं 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 वो टेक्सचर क्या जंगल वाम ने में नहीं देना चाहिए था इन लोगों को, टेक्सचर है। चलो बंद, तो चुपचाप से निकलते इधर से। वैसे भी जंगल के बाहर में खाना तो बहुत मिलता है, पर किसी काम का नहीं है। खुद जा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यस 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 यस। वो सबसे पहले तो जंगल के बाहर से निकलो। तुम लोग कहे यहाँ पे खेलते बच्चे फूड मिलेगा, हाँ वैसे मिलेगा तो, पर मेरे को यहाँ पे नहीं रहना क्योंकि जंगल बहुत फालतू सी जगह है, और मेरा मोबाइल सही है भाई, 2 GB रैम का है, ये जंगल को नहीं झेल पाएगा। रिमेट अगर कोई और शेडर होता ना, अब तक मेरा मोबाइल गया होता। चलो पहले खाना खरीद कर कलेक्ट कर लेते, यानी बहुत सारे तरबूज, अरे वाटरमेलन। इंग्लैंड अगर आप लोग, इंग्लैंड अगर आप लोग, अगर आप लोग हैं चलते इंग्लिश वाले लोग, तो आपके लिए बोलूँगा मैं वाटरमेलन। अगर आप देसी होता तो आपने सुन ही लिया होगा, पहले ही मैंने क्या बोला, तरबूज 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 खा के बिल्कुल आता है मजा। तुम लोग कैसे हो इधर ही मुंह खोलने की, पीछे बैकग्राउंड में होता बहुत शोर है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। नहीं और हर घर घर में चोर होता, पीछे शोर है। चलो जो सारा भाई जो कि इतने तरबूज इकट्ठा करेगी, इतना तरबूज इकट्ठा करेगा किसी ने सोची ना होगी। अरे पटापट यार, बहुत से तरबूज इकट्ठा कर लिए। अब आगे बढ़ते अपने RTX शीट के साथ। तो मेरा जो RTX शीट का पैक है ये है, इसका नाम मैं नहीं बताने वाला जब तक आप लोग कमेंट में मेरे को करने नहीं लगोगे और लाइक नहीं करने लगोगे, क्योंकि देखता बहुत से बहुत कम लोग हैं और वैसे ही लाइक भी नहीं करके जाते हैं। हाय बच्चा 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 गया गया गया। पीसी जैसे शेडर्स हैं वैसी तो पीजी जैसे नाइस। सामने है एक स्टोन, तो चलो निकालते हैं थारा भाई जोगिंदर के पिकल लिए। इतने स्टोन माइन करेगी, इतने स्टोन माइन करेगी, स्टोन क्या स्टोन माइन करेगी किसी ने, तो चलो स्टोन माइन करते हैं।
इतना स्टोन माइन करते चलो। ये शेडर पैक एकदम कमाल का है, रियल लास्टिक लुक आती है। प्लीज बैकग्राउंड के को नोटिस मत करना, पीछे ऐसे ही चलता रहता जानवर गिरी। एक काम करता हूँ, मैं जंगल में इसी गुफा में रहने लगता हूँ। अरे यार जंगल की बात बहुत अटकाएगी मेरा मोबाइल को। वैसे तो अगर शेडर लगाऊँ तो भी हटकाएगी, और नहीं लगाऊँ तब भी हटकाएगी। क्या टेकिंग इन्वर्टरी? एक मिनट, मेरे को एडवांसमेंट मिली, 10 पॉइंट क्वेस्ट मिले, और नेट ऑन करने का मजा ही कुछ और है भाई। आह एडवांसमेंट पूरी हो गई मेरी। अब उन माइंड कॉइन से मैं कुछ खरीदूंगा, शायद से माइंड कॉइन मिलते हैं, कुछ और मिलता है। आप मुझे बताना बाद में, मैंने अभी तक चेक नहीं किया अचीवमेंट्स एडवांसमेंट। और भी बहुत सारे एडवांसमेंट है, और मैं अभी पहले इस जंगल से निकल लेते हैं, बाद में मारते रहेंगे वहाँ पे कट। एक कुल्हाड़ी निकाल लेते क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके लिए। हमें खुल जा नहीं। हाँ तो हम लोग निकालेंगे ये हमारी कुल्हाड़ी, उस कुल्हाड़ी से हम फोड़ देंगे अच्छे अच्छे लोगों को। पहले इस जंगल से निकल जाऊँ, फिर बढ़िया शेडर के आनंद लूंगा। एक तो यार ये जंगल वाम, आई हेट इट। जंगल वाम किसी को पसंद नहीं होगी, मुझे 100% पता है। ओ शीप दादा गिव मी सम वूल। देखो हम वेजिटेरियन हूँ, हम सिर्फ वूल लूंगा और कुछ नहीं लूंगा। अपडेट यार कुछ ज्यादा डेंजर से, ये एकदम खाई टाइप है यार। अरे यहाँ से फिसला ना गया, देखा डैमेज मास्टर हूँ मैं डैम ट्राई टू डाई चैलेंज करूँगा मैं बाद में एक आध दिन, क्योंकि मैं हूँ मरने में एक्सपर्ट। नहीं भाई ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, खुद दो बार एंडर ड्रैगन को मारा है। मैं बहुत दिनों से खेल रहा हूँ ना इसके लिए ना मैं प्रो हूँ। अरे कैसे आपने कुछ नहीं देखा, वो शीशी पैसी मर, वो कहते हैं मैंने बहुत फटाक से मारती ना, वो बिल्कुल देर में नहीं मारी, वो थोड़ा सा ही टाइम लगा था। और आखिरकार हम खुले वायु में आ चुके हैं। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए शेडर के आनंद लीजिए। हम तब तक फूड काटते चलो, तो हम दुनिया का सबसे अच्छा घर बनाएंगे माइनक्राफ्ट में। तो सबसे पहले हम वुड काटते थोड़े से। मेरे ख्याल से डेटा ऑन है इसके लिए इतना ग्लिच मार रहा है। ऑन रहे तो भैया ऐसी एडवांसमेंट मिलती रही। चल थोड़ा सा और। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब वुड काट चुके, अब हमें बनाने बहुत सारे प्लैंक्स। अब हमें बनानी एक चीज़ जिसे तुम लोग कहते हैं क्राफ्टिंग टेबल। अब हमें ये क्राफ्टिंग टेबल बनानी है और थोड़ी बहुत डंडी बनानी है। हाँ अब हमें इस क्राफ्टिंग टेबल को इधर रखना रहता है, और उसके अंदर है ना हमें हथियार बनाने रहते हैं। सबसे पहला ये कुल्हाड़, पत्थर खोदने वाली कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी और आरी। अच्छी मैं अच्छे टाइम का तो ना कुल्हाड़, पत्थर कुल्हाड़ी, पत्थर तोड़ने वाली कुल्हाड़ी, लकड़ी तोड़ने वाली कुल्हाड़ी और आरी। नाइस चलो वो शेडर एकदम मस्त लुक आ रही। ओ मेरे को फिर से मिली टाइम टू माइन, ये क्या जावा बन चुका है, व्हाट द हेक।
गेटिंग एन अपग्रेड जावा नेट ऑन करते का यही फायदा है कि है ना क्या ही कहूँ। और शाम होने वाली है बैठ बची गड्ढे में छुप जा रहा मैं। और बैकग्राउंड प्लीज माफ कर देना, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और फटाक से ये कहते थोड़ा सा वुड नहीं, इधर क्या लगाऊँ मैं, क्या लगाऊँ लगा देता हूँ मैं इधर डर्ट मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी। अरे अंधेरा है, पहले मेरे को चाहिए दो टॉर्चे, मतलब दो टॉर्च हो। वाओ शेडर्स भी क्या कमाल लग रहा है। अरे मेरे को भूख लग रही है इसे को। हाँ चलो, हाँ तो चलो आगे चलते हैं, हमें आगे बढ़ना है। और बैकग्राउंड को नोटिस मत करना। अब चलो हम, मैं तुमसे सुबह मिलूँगा। तो खुदाई कर ही ली। हाँ आप सोचोगे मैं इतनी देर से क्या कर रहा था, मैं इतनी देर से कर रहा था खुदाई। मैं मेरे को है ना रास्ते में, मेरे को बताया क्या क्या मिला मेरे को रास्ते में, मिले बहुत सारे बाबू भैया और बहुत सारे श्याम। अब आप सोचोगे मैं इनको बाबू भैया और श्याम को बोल रहा हूँ। तो कोबल स्टोन बाबू भैया की तरह थोड़ा बहुत काम आता है, अच्छी अच्छी चीज़ है वो। और श्याम बेरोजगार, किसी काम का नहीं। हाँ समझे आप। और हाँ शेडर्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या रियलिस्टिक। ओहो आनंद ही आनंद, क्या मस्त आनंद आ रहा है। चलो भैया थोड़ा सा और, लगता दिन हो गया नहीं हुआ मैं, बारिश की आवाज़ आ रही है। कब होगा दिन, मेरे को दो चार अचीवमेंट मिली थी मतलब पहले, और अब मेरे को एक ही मिली थी, पता नहीं वो कौन सी थी, मैं देखा नहीं। हाँ चलो अब इन स्टोन्स का मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मतलब बाबू भैया का। मैं चाहे तो इन स्टोन्स है ना ज़ॉम्बीज का सकता हूँ, और उनकी बैंड वगैरह। और अब हम मैं ये फालतू गान, मैं सब फालतू की तरह क्या बोल रहा हूँ। अब हम जाएंगे देखेंगे कि मौसम का हाल कैसा है कुछ। अब हम देखेंगे मौसम का हाल। रुको यहाँ पे एक कोबल स्टोन नहीं यार, कोबल स्टोन बहुत महंगा है। यहाँ पे लगा एक डर्ट दो डर्ट। हाँ अब चलो मौसम का हाल देखते कैसा है। मैं तुरंत डर्ट लगा दूंगा जैसे ही अगर मेरे को कुछ गड़बड़ लगा। आइडिया एक दो तीन। अब हम यहाँ पे ध्यान से, बड़े ध्यान से खुदाई करेंगे। और यहाँ से एक छोटा सा टनल, थोड़ा सा ये वाला को ब्लॉक करना पड़ेगा। तोड़ो अपने ऊपर वाला, तो चलो तोड़े यहाँ पर, नहीं चलो तोड़ देते, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा। थोड़ा सा आगे और, थोड़ा सा रुको और तोड़ना पड़ेगा। हैं इतना नीचे हूँ मैं, डर लग रहा है। करीब आया तो फोड़ डालेंगे, पर अगर बेबी कम गए तो। दिन तो हो चुका है पर बारिश नहीं थमी, मतलब मेरे को अभी बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। चलो तो आगे ग्राइंडिंग करते हैं। तो चलो आगे चलो, हम इसके यार हम एक और चना लेते हैं और थोड़ा सा और स्टोन तोड़ते हैं। ये रहे थोड़े से बाबू भैया, और लाठी चाहिए पहले इस पुरानी को तोड़ देते हैं। तो पत्थर तोड़ तोड़ के भी इस पिकेक्स की हालत हो गई है बहुत ही खराब। और देखते हैं और कितना स्टोन, अभी बहुत सारा स्टोन चाहिए। देखते हैं कितना माइन हुआ है, ज़्यादा एक मिनट देखते हैं। अरे ज़्यादा नहीं है यार, मुझे कम से कम 5-6 स्टैक तो चाहिए, इतना बड़ा जो अमाउंट ना हो सकूँगा मैं। मैं सोचो इसी भी एपिसोड में बना लूँ, मज़ा रहेगा फिर तो, और इसी में बना दूंगा, कोशिश करूंगा, रिसोर्स इकट्ठा कर लेता हूँ, अगर बन पाया तो बना लेंगे।
एक काम करते हैं, इस एपिसोड में अकेले रिसोर्सेज इकट्ठा करते नहीं, देखते हैं। वैसे तो रिसोर्सेज ही इकट्ठा करते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी मेरे को सिर्फ थोड़ा सा टोवल स्टोन हो चुका है, टोवल स्टोन टू बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मेरा, मैं बहुत सारे गोलेम, पहले तो मैं एंडर ड्रैगन जी सबसे कमज़ोर बॉस यानी कि एंडर ड्रैगन की, पहले मैं एंडर ड्रैगन की छुट्टी करूँगा, फिर उससे थोड़े पावरफुल बॉस यानी विदर से फाइट करूँगा। आपको क्या लगता है, एंडर ड्रैगन पावरफुल या फिर विदर? मुझे तो विदर लगता है, तो क्यों एंडर ड्रैगन को चाहिए कहते एंडर क्रिस्टल, तभी वो जिन कहते खुद को रीजनरेशन कर सकता है, फिर तो नहीं तोड़ा लोग उसका क्रिस्टल, फिर वो किसी काम का नहीं है। लेकिन विदर के पास ऑलरेडी रीजनरेशन पावर रहती है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हमने बहुत सारे रिसोर्स इकट्ठा कर लिया है मेरे ख्याल से, एक काम करते हैं भाई, अभी यार बहुत हो चुका सामान, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो टाटा भाई, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।